जम्मू कश्मीर विधानसभा में हंगामा मच गया है। भाजपा विधायकों ने पूर्व गृह राज्य मंत्री सज्जाद अहमद किचलू की गिरफ्तारी की मांग की है। आपको बता दें कि सज्जाद अहमद किचलू पूर्व गृह राज्य मंत्री भी रह चुके हैं। तो बता दें आपको कि पूर्व गृह राज्य मंत्री सज्जाद अहमद किचलू की भाजपा विधायकों ने गिरफ्तारी की मांग की है, जिसके चलते विधानसभा में हंगामा मच गया है और भाजपा विधायकों ने पूर्व गृह राज्य मंत्री सज्जाद अहमद किचलू की गिरफ्तारी की मांग की है। उस वक्त के जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार में जो गृह मंत्री थे सज्जाद अहमद किचलू, जो आज लेजिस्लेटिव काउंसिल MLC हैं यहाँ, वो जिम्मेवार थे। उन्होंने उनकी देखरेख के अंदर सारा हुआ, उनकी डायरेक्शन के ऊपर किश्तवाड़ के अंदर लोगों का कत्ल हुआ, किश्तवाड़ के अंदर लोगों के घर जले, वहाँ हिंदू मुस्लिम फसाद के ऊपर पूरी जम्मू कश्मीर स्टेट को डिवाइड कर दिया गया, और जो बहुत पुराना हमारा भाईचारा था हिंदू मुस्लिम, उसको बांटने की ये बहुत बड़ी साजिश थी। ये बातें सारी क्लियर हो गई हैं, इसलिए हमने मांग की है सरकार से कि सरकार तुरंत सज्जाद किचलू और जो बाकी के दो लोग हैं उनको गिरफ्तार करके जेल के पीछे बंद करे। जम्मू कश्मीर में हिंदू मुसलमान के बीच में दीवार पैदा करना, कम्युनल राइट्स करवाना, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की हिस्ट्री रही है और उसके माहिर रहे हैं, उसके कर्ता धर्ता रहे हैं सज्जाद अहमद किचलू साहब। शुरू से ही किश्तवाड़ में इन्होंने बार बार दंगे करवाए, अब लोगों ने इनको रिजेक्ट कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में भी और देश में भी लाई है, अब तो हम लोगों के साथ इंसाफ करेंगे। जिन घरों में लाल खोए हैं, जिनकी दुकानें लूटी है, जिनके घर जले हैं, उनके साथ इंसाफ होगा और ऐसे लोगों को सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। किश्तवाड़ के बारे में जो इन्होंने मुद्दा उठाया, उसमें उन्होंने गांधी कमीशन के बारे में जो रिपोर्ट अभी आई हुई है उसके हवाले से उन्होंने कहा कि किचलू साहब को उसके खिलाफ केस दर्ज किया जाएगा और उसको गिरफ्तार किया जाएगा। उनका ये मानना है कि जो दंगे वहां पर हुए हैं 2013 में, वो उसकी वजह से हुए हैं, लिहाजा उसके खिलाफ जो अभी चार्जशीट हुआ है और रिपोर्ट आई हुई है उसके हिसाब से उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। खबरों की दुनिया में आइए हमारे साथ, कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।